अब देख आ गई भाई, आ गई, आगे खोलो अरुण कुमार जी, आपकी माता आ गई है। कैसी हैं देखने में? सफेद साड़ी है भैया, ठीक है, और सफेद से ही बाल हैं इनके, और यहाँ पे बिंदी लगाती हैं और हाथ में माला पकड़ के चलती हैं। हो गया, धरती में समा गई थी वो, ठीक है ना? अभी तो मुझे इनके पीछे नहीं। क्या नाम है माता का? प्रेम भाई सती। प्रेम भाई सती आपके अंदर आती थी? हाँ, महसूस होता था। ए बच्चे, मुझे तिलक दिया हुआ है। आपको तिलक दिया हुआ है, मतलब इनके इनके अंदर मेरी दादी, पहले मेरी दादी थी, बचपन प्रविष्ट होती है आपके अंदर? देखो इनकी स्थिति, अगर इनके अंदर प्रविष्ट होती है तो मत, पहले आती थी, अभी अभी नहीं आती। आँख बंद करो, याद करो। आई हल्का सर में महसूस हुआ है, शुद्ध स्वरूप है तो, क्योंकि क्षति माता है ना, तो पहले से ही शुद्ध स्वरूप है इनका, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर आ गई हैं, परविष्ट हो गई हैं, आपको महसूस हो गया ना? हाँ, बोलो सच्चे दरबार की, शनदे महाराज की जय। अब तो ये हैं शरीर के अंदर, अब जो हैं ये हैं, ठीक है ना? आप इसको कुछ कराओ, ये आपकी सिद्धि है, जैसे करती थी वैसे करो, मेरा काम है। जवाब देती है, कभी नहीं देती है इसका मतलब, वो इन्हीं से माता से पूछो ना, माता जवाब नहीं देती थी। इसका आया मुंबई से, आपका वीडियो रोज देखता था मैं। हाथ उठाओ दोनों, बोलो शंकर भगवान, आपके सच्चे दरबार में आया हूँ, मुझे कोई ऐसा तत्व प्रदान कीजिए जिससे मुझे मेरी भक्ति बढ़े, मेरा ज्ञान मार्ग खुले और मेरे क्वेश्चनों का आंसर मुझे मिले, मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिले। आपकी सदा ही जय हो। आपके सच्चे दरबार में बैठा शनिदेव महाराज को मानने वाला मैं आपकी शरण में मांगता हूँ कि मेरी आप इच्छा पूर्ति करें, जिससे मैं आपकी भक्ति में संलग्न रहूँ। एक महात्मा आए हैं, इतने लंबे बाल, दाढ़ी भी सफेद है, रुद्राक्ष की माला पहनी है, हाथ में एक पुस्तक ले रखी है, ज्ञान भक्ति बढ़ाएंगे आपके, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ में माला है। एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में माला, बस भक्ति करते रहिएगा। उनकी गुरु है, उनके गुरु है, उनके गुरु है, बस ये आ गया। चलो मनु भैया, गंदे को कौन बैठा मेरे?